घाटी का ये धंधा है। अच्छा। दो दिन पहले भी आपको घाटे ये पता होगा सर, आपके माध्यम से मैंने देखा था, और डेली ये सब धांधली चल रहा है, बगैर साजिश के ये सब धांधली नहीं चल सकता है। वहीं से पेट्रोल पंप पे हम पंप भरवाए, वहीं से हमारे पीछे दोनों गाड़ी लगी है और यहाँ पर आकर के छीन लिया गया। आए दिन बर्दात होता है, अपाची दो गाड़ी है, पेट्रोल पंप से जितनी भी साजिश रची जा रही है पेट्रोल पंप से रची जा रही है, मैं इतना कहता हूँ। हाँ, यहाँ मार्बल पत्थर एवं काला ग्रेनाइट पत्थर पर लिखाई एवं खुदाई सभी भाषाओं में किया जाता है तथा फ्लैक्स बोर्ड, रेडियम स्टिकर, नेम प्लेट भी बनाया जाता है, जिसका पता है मखदूम सराय मोड़ डॉक्टर इसराइल के सामने, COMR सीवान। मेरा घर नंदा मुड़ा पड़ता है। हम लोग जा रहे थे कहीं इंटरव्यू में बाहर के लिए, ठीक है, पेट्रोल पंप पे हम लोग पेट्रोल भरवाए, वहाँ से दो अपाची वाले पेट्रोल पंप से ही हम लोग के पीछे लगे, आगे पीछे देख रहे थे हम लोग, सोचे ऐसे ही दोनों साथ में आपस में बात कर रहे होंगे। अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद मुंह में पिस्टल डाल करके ऐसे चैन छीना, मेरे जेब से पैसा छीना, मेरा मोबाइल लिया, और एक आदमी हमारे साथ में और थे, तीन आदमी, उनका भी पर्स लेके वो लोग भाग गया, ऐसे चाकू भिड़ा रहा था मारने के लिए, कांटा भिड़ा रहा था मारने के लिए। हाँ, उसके बाद प्रशासन आई, उसके बाद प्रशासन अभी चली गई है। अच्छा। ठीक है, वहाँ अभी FIR, तीन आदमी थे हम लोग, दो आदमी गया FIR दर्ज करने, उधर थाना में ले गया। हम लोग इधर प्रशासन से मांग करते हैं, ऐसा डेली घटना क्यों होता है, बराबर इसी रोड में होता है, ऐसा कहीं क्यों नहीं होता है, हमारे क्षेत्र में भी है, हमारा घर नंदा मुड़ा पड़ता है, आप कभी भी जाइए उधर, कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसका जांच बैठाया जाए, क्यों डेली यहाँ बैंक चोरी होता है। एक कुछ दिन पहले हमारे चाचा थे, उनको गोली मार दिया गया इसी रोड में, जाकर वहाँ पेट्रोल पंप पर जाकर भग के जान बचाए, ऐसा क्यों होता है, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ यहाँ से जल्द टाइट प्रशासन टाइट करवाए। आपसे पैसा कितना छीन लिया गया अभी? मेरे से पैसा कोई ज्यादा नहीं था, मेरे जेब में बस, मैं तो मेरे पर्स में जो था वो पर्स नहीं छीना, बाकी ऊपर में जेब में था 400 रुपया, वो लिया, मेरा पर्स छोड़ दिया, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरे साथ में राजीव सिंह है, उनका चैन मतलब 2 लाख का था, वो छीन लिया, अंगूठी छीन लिया, उनका पर्स, पैसा, मोबाइल, और एक ओम प्रकाश सिंह थे, उनका भी पर्स और ATM सब लेके चला गया लो पैसा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, नंदा मुड़ा। देखिए, आए दिन यहाँ पे दिन दहाड़े यहाँ पे लूट का मामला सामने आ रहा है, और ये आज का मामला नहीं है, ये आए दिन हो रहा है, और इस सड़क पे लगभग हर 2-4 दिन के बाद एक लूटपाट होता है और दिन दहाड़े होता है, पता नहीं प्रशासन कहाँ सोई है। प्रशासन जी बोलिए। सर, मैं मांग करता हूँ, यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है वहीं से सब साजिश रची जा रही है, पेट्रोल पंप पे हम पंप भरवाए, वहीं से हमारे पीछे दोनों गाड़ी लगी है। अच्छा। और यहाँ पर आकर के छीन लिया गया, आए दिन बर्दात होता है, अपाची दो गाड़ी है, पेट्रोल पंप से जितनी भी साजिश रची जा रही है पेट्रोल पंप से रची जा रही है, मैं इतना कहता हूँ। डेली का है? हाँ, ये डेली का है। हाँ, यहीं के हैं जी सर, मैं चैनपुर का हूँ, ये डेली आए दिन होता है, रास्ते में लोग आते हैं और जाते भी हैं, यहाँ पे कोई किसी का मदद नहीं कर पाते हैं, और रही बात ये जब भी हो रहा है, जहाँ पे स्पॉट वहीं हुआ जहाँ पे थाना आकर रुकी है जी। हम लोग गए आगे चेक करने के लिए, वहीं पे सेम स्पॉट पे ही आकर थाना रुकी हुई है, वहाँ पे रुकी जी सर। डेली का ये धंधा है। अच्छा। दो दिन पहले भी आपको घटने ये पता होगा सर, आपके माध्यम से मैंने देखा था, और डेली ये सब धांधली चल रहा है, बगैर साजिश के ये सब धांधली नहीं चल सकता के बाद तुरंत वहीं से पेट्रोल पंप यहाँ पे प्रशासन आ गया, 10 मिनट बाद प्रशासन आ गई, छीनने के बाद प्रशासन को कैसे पता चले यहाँ क्या हुआ, तुरंत प्रशासन यहाँ पे आ गई जी। हाँ, हमारे सिसवन थाना जो थे वो जा रहे थे, तो हमको गाड़ी में बैठा करके इधर छोड़े, सिसवन थाने वाले, मतलब तुरंत आपके जो आपके साथ घटना घटी उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची ऑन द स्पॉट, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, नहीं कोई ट्रेस भी नहीं किया जा रहा। मैंने कितना बार बोला उसको, उसको मोबाइल से ट्रेस कीजिए, ट्रेस किया, ट्रेस वालों के भी नहीं सर, FIR लिखवाए, FIR लिखवाते पता चलेगा कि अपराधी जो भी है वो अंजाम देकर कहीं दूर चला जाएगा, उसको कैसे पता कि ये मोबाइल कुछ भी कर सकता है, उसको तो हम देखा नहीं जाए। स्पॉट पे उन्होंने उसको ट्रेस नहीं किया सर, ये सबसे बड़ी लापरवाही है सर जी। और ये देख रहे चैनपुर से उधर हम लोग का बहुत कम होता है उधर, हालांकि यहाँ से जो रोड है यहाँ बैंक से लेकर और यहाँ तक हमेशा होता है। 2-3 दिन पहले भी सर हुआ है, मेरे गांव के भी 2-4 एक मोबाइल भी यहाँ से छीना गया और पैसा भी छीना गया था। चैनपुर प्रशासन तो इसमें पूर्ण रूप से देखा जा रहा है लापरवाही है सर। फिर आप किस पे विश्वास कीजिएगा? विश्वास सर, आम जनता पे विश्वास करेंगे, जो हमारे देश में ये जो हमारे आदमी हैं यहाँ पे, हम लोग इन लोग से अपील करेंगे कि भाई जो भी रात में मुसाफिर आप लोग चल रहे हैं, कृपया अगर किसी का अगर ऐसे दुर्घटना होता है आप वहाँ पे खड़ा होकर नहीं कुछ तो हल्ला शोर मचा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं भैया। अगर ऐसा होता तो आए दिन ये दिन दहाड़े ऐसे नहीं होता, और ये मैं खास कर इस कौन सा गाँव भैया, ये सौली गाँव से भैया, जितने भी लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं भैया, ये आपके गाँव के बदनामी हो रहा है और ऐसा
बेशक ना हो तो अच्छा आप लोग रोड पे आ जाएंगे, प्रशासन क्या है क्या नहीं है इन पर विश्वास करना ही हम लोग का मूर्खता से भी ज़्यादा गलत माना जाएगा। इसलिए जितने भी यहाँ के लोग हैं आप लोग प्लीज़ जागरूक हो जाइए, थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे तो यहाँ पे कभी भी भूल से भी कोई किसी अपराधी का हिम्मत नहीं होगा कि यहाँ पे आकर ऐसे घटना का अंजाम दे सकता है सर। बिल्कुल, चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिशुपाल सिंह है सर। चलिए अब क्या कहेंगे, प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, क्या किया जाए, प्रशासन आँख बंद करके पड़ी हुई है। हाँ, लोग बाग के साथ आए दिन घटना हो रहा है, तो आप किस पे जनता विश्वास करे जब प्रशासन ही सो गई है तो? अब जनता किस पे विश्वास करे, प्रशासन भी तो विश्वास करेगी, प्रशासन आँख बंद करके सोया हुआ है तो मीडिया अपना काम कर रहा है, पब्लिक अपने अपने घर गृहस्थ में व्यस्त है तो पब्लिक थोड़ी यहाँ पे रोड का वो करेगी। बिल्कुल, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन बनाया गया किस लिए है फिर? पब्लिक के रक्षा के लिए, पब्लिक के देखभाल के लिए बनाया गया है। और ये आप यहीं के हैं, आए दिन दो चार दिन, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये घटना हो रहा है, सब लोग आँख बंद करके पड़े हुए हैं जी। आप प्रशासन से इसलिए इस पे क्या मांग करते हैं? अभी तो प्रशासन को फोन किए, हाँ, वो बोल रहे हैं जो जादू जी चले गए हैं दरोगा जी। किसके पास फोन किए थे? इंस्पेक्टर छोटे बाबू के पास। छोटे बाबू के पास अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं, अभी नहीं पहुंचे। क्या बोल रहे थे वो? है क्या बोले? वो बोले जो जादू जी पहुँच गए हैं दरोगा जी, अभी तक नहीं पहुँचे। बताइए, इस तरह लापरवाही होगी अगर यहाँ पे मर्डर हो जाता है, कोई घटना घट जाता है तो क्या किसकी लापरवाही माने जाएगी, कौन इसमें दोषी होगा? प्रशासन दोषी होगा और कौन दोषी होगा, प्रशासन का काम है ना जी। अगर किसी का बेटा यहाँ पे मर जाए, कोई अगर हत्या कर दे तो अगर वो उनकी लापरवाही है तो क्या कर लेंगे बाद में जब कोई हत्या हो जाती है, क्या घटना हो जाएगी तो कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे तो प्रशासन को होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सर। इसको पेट्रोलिंग, बाइक से पेट्रोलिंग होना चाहिए बिहार सरकार से। मैं ये बता रहा हूँ सर कि ये जो एरिया यहाँ पे बाइक से पेट्रोलिंग होना चाहिए, बिल्कुल करीब एक महीने तक चलेगी अगर चल रही है तो, ऐसे कुछ ऐसे घटनाएं सर यहाँ पे नहीं घट सकती है। बाइक से पेट्रोलिंग होना चाहिए सर, एक गाड़ी हमेशा यहाँ पे रहना चाहिए, बिल्कुल। हसनपुरा बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक गोपालपुर के बीच में गाड़ी एक हमेशा रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, इस जगह का क्या नाम है? ये जो फलदुदिया है, सौली का ही टोला है। हाँ। देखिए फलदुदिया सौली है और आए दिन यहीं पे मामला सामने आता है कि आए दिन दिन दहाड़े किसी न किसी युवक को लूट लिया जाता है। यहाँ पे कई मर्डर भी हो चुके हैं अभी, मतलब दो चार सालों में कितना कितने मर्डर हो चुके होंगे यहाँ? अभी तो हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ पे पता नहीं है उतना, मगर आए घटना होता रहता है यहाँ। अपना नाम बता दीजिए भैया। लालू कुमार यादव।